हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू editzXpro। गाइस, आज की इस वाली वीडियो में फिर से मैं लेकर आ गया हूँ न्यू व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो। तो चलो तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कमाल की वीडियो में लाता रहता हूँ। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपनी CapCut एप्लीकेशन को खोल लेना है। खोलने के बाद कुछ यहाँ पर से प्लस पर आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पर से फोटो पर चले जाना है। फोटो पर जाकर आपको सिंपली यहाँ पर से फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर से फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर से 32 फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर से कोई सा भी 32 फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो 32 फोटो को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर से ऐड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सिंपली यहाँ पर से इस तरीके से आ जाएगा। आने के बाद कुछ सिंपली यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर से इस तरीके से आ जाना है। यहाँ पर से आप लोगों को फॉर्मेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सिंपली यहाँ पर से 9:16 का रेशियो ले लेना है। लेने के बाद कुछ सिंपली यहाँ पर से पूरी वीडियो में इस तरीके से आप लोगों को पूरी स्क्रीन में इस तरीके से आप लोगों को फोटो को एडजस्ट कर लेना है। सभी फोटो को इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर से क्लिक करना है। इस पहले फोटो पर यहाँ पर से इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो इसी तरीके से पूरी फोटो को एडजस्ट कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से एडजस्ट करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने पूरी स्क्रीन में फोटो को एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर से फर्स्ट पर आ जाना है। इस तरीके से फर्स्ट पर चले आना है। फर्स्ट पर आने के बाद को सिंपली यहाँ पर से आप लोगों को फोटो को टाइमलाइन को सेट करना है। तो सिंपली आप लोगों को फोटो को टाइमलाइन कैसे सेट करना है, तो सिंपली फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर से आप लोगों को फर्स्ट फोटो को रख देना है 1.5 पर रख देना है। इस तरीके से तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर से 1.5 पर रख देना है। एक फोटो से सेकेंड फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर से आप लोगों को 23 फोटो को सेलेक्ट करना है। 23 फोटो को आप लोगों को टाइमलाइन रखना है 0.1 पर टाइमलाइन रखना है। तो 23 फोटो को आप लोगों को 0.1 पर टाइमलाइन रख देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को दो उंगली से पकड़ के जूम कर देना है। जूम करने के बाद अगर सिंपली यहाँ पर से फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर से इस तरफ लेकर चले जाना है। यहाँ पर से आप लोगों को इस तरफ से इस तरफ लेकर चले जाना है। तो यहाँ पर से आप लोगों को 0.1 पर रखना है टाइमलाइन को। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर से देखो 0.1 पर रख दिया। फिर से आप लोगों को दूसरी फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर से इस तरफ आ जाना है। यहाँ पर से आने के बाद को फिर से इसी तरीके से लेकर चले जाना है। यहाँ पर से 0.1 पर रख देना है। इसी तरीके से आप लोग को 23 फोटो को आप लोग को 0.1 पर रख देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से 23 फोटो को 0.1 पर मैं रख देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो 23 फोटो को आप लोगों को 0.1 पर एडजस्ट करने के बाद को सिंपली यहाँ पर से एक फोटो यहाँ पर से आ रहा है। तो सिंपली इस वाले फोटो को एक फोटो को आप लोगों को यहाँ पर से टाइमलाइन रख देना है 2.9 पर रख देना है। तो इस तरीके से जूम आउट कर देना है। जूम आउट करने के बाद को सिंपली यहाँ पर से टाइमलाइन इसको रख देना है 2.9 पर। तो सिंपली यहाँ पर से 2.9 पर रखना है। रखने के बाद को सिंपली यहाँ पर से ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर से ले जाना है, साउंड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर से ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप लोगों को ऑडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इजीली ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से ऑडियो आ रहा है। तो यहाँ पर से ऑडियो को अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर से बीट आ रहा है। तो सिंपली इस वाले बीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को फोटो को काट देना है। तो सिंपली यहाँ पर से एक बीट आ रहा है, इस तरीके से फोटो को ट्रिम कर देना है। यहाँ पर से इस तरफ एक बीट आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर से इसको फोटो को यहाँ पर से इस तरीके से लेकर आ देना है। यहाँ पर से इस तरीके से यहाँ पर से एडजस्ट कर देना है। इस तरीके से बीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर से रख देना है। तो सिंपली एक बीट यहाँ पर आ रहा है। तो सिंपली इस तरीके से बीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को फोटो को एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर से इस तरफ लेकर आ चले आना है। यहाँ पर से इस पर क्लिक करना है, इस तरफ लेकर आ देना है। तो सिंपली आप लोगों को इसी तरीके से बीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को फोटो को काट देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से काट कर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने सभी फोटो को बीट के अकॉर्डिंग काट दिया। काटने के बाद को सिंपली यहाँ पर से फर्स्ट पर चले आना है। फर्स्ट पर आने को सिंपली यहाँ पर से फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर से इंड एनिमेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद को सिंपली अपने मोबाइल का नेटवर्क ऑन करके रखना है। तो सिंपली आप लोग को मोबाइल का नेटवर्क ऑन करके रखने के बाद को सिंपली यहाँ पर से कॉम्बो पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद को सिंपली यहाँ पर से इस तरीके से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर से बाइसेक्ट वन पर क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पर से बाइसेक्ट वन इफेक्ट को इस तरीके से आप लोग को ताक लेना है। तो सिंपली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से बाइसेक्ट वन है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर इस वाले एनिमेशन को लगा देना है। तो बाइसेक्ट वन पर लगाने के बाद को सिंपली यहाँ पर से इस तरीके से जूम कर देना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से नाइन फोटो को यहाँ पर से चेक कर लेना है। नाइन फोटो में आप लोगों को यहाँ पर से इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर से इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद को सिंपली यहाँ पर से जूम आउट पर यहाँ पर से इस वाले इफेक्ट में जूम आउट को लगा देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को जूम आउट पर क्लिक करना है। यहाँ पर से नाइन फोटो को आप लोगों को जूम आउट पर क्लिक करके लगा देना है। तो सिंपली यहाँ पर से मैं नाइन फोटो को जूम आउट को लगा देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर से तीन फोटो में लगा दिया हूँ। इस तरीके से आप लोगों को चार फोटो यहाँ पर से पाँच में छः सात आठ नौ फोटो में यहाँ पर से इस वाले जूम आउट को लगाना है। तो जूम आउट को लगाने के बाद सिंपली यहाँ पर से इस वाले
यहाँ पर से एक फोटो को फिर से आप लोगों को यहाँ पर से जूम इन को लगाना है। 9 फोटो के बाद में आप लोगों को जूम इन में लगा देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को जूम इन में लगा देना है। फिर से आप लोगों को दूसरे फोटो के लिए यहाँ पर से जूम इन में लगा देना है। तो इसी तरीके से जितने भी छोटा फोटो है आप उतने फोटो में आप लोगों को जूम इन को लगा देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को जूम इन में लगा देना है। तो मैं जल्दी से लगा कर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने सभी छोटा वाला फोटो में जूम इन इफेक्ट को लगा दिया। लगाने के बाद कुछ मुझे यहाँ पर से इस तरीके से यहाँ पर से उस बड़े वाला फोटो पर आ जाना है। आने के बाद कुछ मुझे यहाँ पर से इस वाले एक फोटो में आप लोगों को यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। आप लोगों को यहाँ पर से आप लोगों को फोटो स्टार्ट हो जाता है। सिंपली इस तरीके से यहाँ पर से आ जाना है। यहाँ पर से इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर से इस तरीके से आ जाना है। यहाँ पर से बेसिक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर सेक इफेक्ट को लगा देना है इस तरीके से। तो सेक इफेक्ट को लगाने के बाद इस तरीके से सेक इफेक्ट को लगा देना है। यहाँ पर से आप लोगों को यहाँ पर से देख सकते हो फ्लैश लाइट लिखा रहा है। सिंपली इस वाले फ्लैश लाइट पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर से इस तरीके से टिक कर देना है। टिक करने के बाद जहाँ तक वो वाला फोटो है वहाँ तक आप लोगों को इस तरीके से इस वाले इफेक्ट को लगा लेना है। तो सिंपली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग इस तरफ लेकर चले आना है। तो इस तरीके का लगाने के बाद कुछ यहाँ पर से इस तरीके से दूसरे यहाँ पर से 7 फोटो है। जहाँ तक 7 फोटो में क्लिक करना है। इस वाले फोटो पर क्लिक करना है। फोटो पर क्लिक करने के बाद उसमें यहाँ पर से इन एनिमेशन चले जाना है। चले जाने के बाद आप लोग यहाँ पर से कॉम्बो पर चले जाना है। जाने के बाद उसमें यहाँ पर से पेंडुलम इफेक्ट को लगा लेना है। सिंपली यहाँ पर से पेंडुलम इफेक्ट को तक लेना है। तो सिंपली इस तरीके से आप लोगों को पेंडुलम इफेक्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर से तक लेता हूँ पेंडुलम इफेक्ट कहाँ पर है। तो देखो तो यहाँ पर से पेंडुलम है। तो पेंडुलम 2 नंबर को लगा देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को पेंडुलम 2 पर लगा देना है। तो इसी तरीके से आप लोगों को जितने भी फोटो है लास्ट में उतनी फोटो में आप लोगों को पेंडुलम 2 नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली आप लोगों को फिर से मैं यहाँ पर से पेंडुलम 2 को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जितने भी फोटो है यहाँ पर से सभी फोटो में पेंडुलम 2 को सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से पेंडुलम 2 को लगा देना है। तो यहाँ पर से मैं सभी फोटो में लगा दे पेंडुलम 2 को। लगाने के बाद कुछ सिंपली यहाँ पर आने के बाद कुछ सिंपली यहाँ पर से देख सकते हो यहाँ पर से वाटर मार्क आ रहा है। वाटर मार्क को आप लोगों को सिंपली यहाँ पर से डिलीट कर देना है। जहाँ तक फोटो है वहाँ तक आप लोगों को इस वाले सॉन्ग को बीट को रख देना है। तो कि इस तरफ लेकर चले आना है। यहाँ पर से जहाँ पर फोटो है वहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद कुछ सिंपली यहाँ पर से फर्स्ट पर चले जाना है। फर्स्ट पर जाने के बाद कुछ सिंपली यहाँ पर से इस तरीके से आ जाना है। यहाँ पर से आप लोगों को बैक चले जाना है। यहाँ पर से इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर सिंपली यहाँ पर से इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट पर क्लिक करने पर सिंपली यहाँ पर से इस तरफ लेकर चले जाना है। इस तरफ चले आना है। यहाँ पर से चले आने सिंपली यहाँ पर देख सकते हो फ्रेम लिखा है। सिंपली इस फ्रेम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर से एलईडी को आप लोगों को यहाँ पर से लगा देना है। तो एलईडी को लगाने के बाद यहाँ पर से डन कर देना है। डन करने के बाद इस वाले इफेक्ट को पूरी वीडियो में इस तरीके से लेकर चले जाना है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी वीडियो में इस वाले इफेक्ट को लगा देना है। तो पूरी वीडियो में इस तरीके से एलईडी इफेक्ट को लगा देना है। लगाने के बाद कुछ सिंपली देख सकते हो पूरी तरीके से वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो पूरी तरीके से वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। कितनी अच्छी तरीके से। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर से डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पर से कोई सभी रेशो सेलेक्ट करना है। रेशो सेलेक्ट करने के बाद कुछ यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर देना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैं कोई सा वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।